लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर सोमवार को भागलपुर समीक्षा भवन में भारत निर्वाचन आयोग के वरीय अधिकारियों द्वारा बिहार में 1 जनवरी 2024 अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में भागलपुर, कोसी, पूर्णिया और मुंगेर प्रमंडल के विभिन्न जिलों से पहुँचे जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव संबंधी कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान वरीय उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा, नितेश व्यास एवं उप निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार साहू ने 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की, जबकि निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण बैठक के दौरान सचिव सुजीत कुमार मिश्रा एवं अवर सचिव नरेश कुमार ने भी चुनाव संबंधी बातों पर चर्चा करते हुए मौजूद सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार के भागलपुर एवं राजधानी पटना के सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के साथ दो चरणों में भारत निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक पूर्व से ही आयोजित होनी तय हो गई थी। वहीं इसी क्रम में 16 अक्टूबर सोमवार को भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में प्रथम चरण की बैठक में भागलपुर समेत 4 प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधिमंडल की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। समीक्षा बैठक की शुरुआत बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने अपने उद्बोधन से की, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बारी बारी से बैठक को संबोधित करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से 14 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत कराया और इस दिशा में कार्य तेज करने की बात कही। वहीं प्रथम चरण में आयोजित की गई बैठक में भागलपुर और बांका समेत मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने हिस्सा लिया। इस दौरान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और 2024 लोकसभा आम निर्वाचन के लिए निर्वाचक सूची के विभिन्न बिंदुओं पर PPT प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने बैठक में निर्वाचक सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए निर्वाचकों का पंजीकरण करने के साथ मृत निर्वाचकों का नाम मतदाता सूची से हटाने और पंजीकृत PVTG को पंजीकृत कर इसे सुधारने और युवा मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के अलावा कई दिशा निर्देश भी दिए। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिसका सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दौरान काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा अपनी आस्था और मनोवांछित फल की कामना के लिए माँ की विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ व्रत उपवास भी रखते हैं। वहीं शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को माँ के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की गई। भागलपुर के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र स्थित दुर्गा मंदिरों और घरों में वैदिक मंत्रों चार सप्तशती पाठ, संपुट पाठ और पूजन से माहौल भक्तिमय हो गया, जबकि प्रतिमा निर्माण के बाद अब मूर्तिकारों द्वारा उसे अंतिम रूप देने का कार्य भी जारी है। बिहार सरकार के निर्देश पर चल रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर पूरे बिहार में सरकार के निर्देश पर सभी प्रखंड के पंचायतों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी और BDO CO के अलावा जिलाधिकारी एवं जिले के वरीय पदाधिकारी भी हिस्सा लेकर लोगों के समस्या की जानकारी लेकर उसके समाधान की बात कह रहे हैं। इसको लेकर सनोला BDO के द्वारा धुआबे पंचायत के SKR कॉलेज में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी समस्या से पदाधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों को शीघ्र ही समस्या समाधान करने का आश्वासन दिया, जबकि धुआबे पंचायत में सबसे ज़्यादा शिकायत राशन कार्ड की समस्या को लेकर सामने आई। इसके अलावा पंचायत के वार्ड नंबर 6 में पानी की समस्या, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, शौचालय और सड़क समेत कई समस्याओं की जानकारी भी ग्रामीणों ने पदाधिकारियों को देकर समाधान की गुहार लगाई। मौके पर अंचलाधिकारी कृष्ण मोहन कुमार के अलावा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के कई पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे।
भागलपुर के भोलानाथ फ्लाईओवर निर्माण के लिए रविवार से कंपनी के द्वारा सड़क की दूसरी तरफ भी ड्रेनेज का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि ड्रेनेज बनाने से पहले नाले की जेसीबी से खुदाई कर सिल्ट की सफाई कराई गई, जिससे फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान बाधा उत्पन्न नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ निर्माण कंपनी द्वारा लगाए गए नए पोल पर बिजली के तार को जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे लोगों को बिजली आपूर्ति की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बताया जा रहा है कि शनिवार को भारत और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच के कारण बिजली कंपनी ने शटडाउन नहीं दिया था, जिसके कारण रविवार की दोपहर से शाम तक शटडाउन लेकर तार लगाने का कार्य किया गया। बता दें कि भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ने और आवागमन सुगम करने को लेकर मिर्जानहाट शीतला स्थान चौक से बीकनपुर गुमटी नंबर 3 तक 1392 मीटर लंबा फ्लाईओवर निर्माण शुरू हो गया है। इसके लिए 185 से ज़्यादा बिजली के नए पोल और तार लगाने का कार्य किया जा रहा है। भागलपुर के सनोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत जलहा गांव में ग्रुप लोन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर गांव की महिलाओं में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं जलहा गांव के लगभग 3 दर्जन से अधिक महिलाओं ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षर कर गांव की रहने वाली गुलशन आरा के खिलाफ इसकी शिकायत सनोखर थाने में दर्ज कराई है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गुलशन आरा ने पहले सरकारी अनुदान की बात बोलकर ग्रुप से महिलाओं को लोन दिलवाया और बाद में उन लोगों को प्रलोभन एवं धोखा देकर पैसा ले लिया और ग्रामीण महिलाओं को 5,000 रुपया थमा दिया। साथ ही महिलाओं ने कहा कि उन लोगों को कंपनी ने कोई पासबुक भी नहीं दिया है, जबकि लोन देने वाली प्राइवेट कंपनी के प्रतिनिधि अपना पैसा मांगने के लिए उन सभी के घर पर आकर पैसा जमा करने की बात कहकर धमकी दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सनोखर थाना अध्यक्ष ने कहा कि गुलशन आरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच करने के बाद पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसके ऊपर केस करना है? क्या केस कीजिएगा? गुलशन आरा पर। क्या केस कीजिएगा? अनुदान का करके पैसा दिया है और अखनी बोल रहा है कि लोन भरने के लिए, लोन हम कहाँ से भरेंगे? सब पैसा गुलशन आरा ने ले लिया है और 35,000 हमको 35,000 वो लिया है और 5,000 रुपया हमको दिया है। टोटल कितना पैसा आया था आपके अकाउंट में? 40,000। तो जो पैसा लिया कैसे ले लिया आपसे? कैसे लिया? आधार कार्ड और पासबुक पर सब अथी करके मोबाइल से भेज दिया और मोबाइल यहाँ खाता में आ गया पैसा। फिर उसको गुलशन आरा कैसे पैसा लिया? गुलशन आरा बैंक लेकर के गया यहाँ सोनोखर में और वहाँ जा करके ट्रांसफर चेक करवा करके ट्रांसफर करवाया और निकलवाया और पहले बोला कि पासबुक चेक मत करवाइएगा, हम नहीं करवाएंगे। तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? सब पैसा वो ले लिया, अब बोलता है कि लोन है, हम लोन कहाँ से भरेंगे? 5,000 में लोन भर सकेंगे 40,000 का? तो थाना क्यों किस चीज़ के लिए फिर आए? थाना आए हैं हम केस करने के लिए। केस करने के लिए? हाँ। कहीं का पैसा क्यों थाना आए? पैसा अनुदान कहीं ले लिया था। कौन लिया है? कितना लिया है? 33,000। कैसे लिया? वो बोला कि फ्री में दे रहा अनुदान को पैसा, उसने तो जो ले लिया। पैसा जो आया क्या कैसे आया था, कहाँ कौन भेजा था? पैसा तो खाते में डाला था बोला से नहला का बैंक से। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के सुल्तानगंज बड़ी दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्र की पहली पूजा को लेकर बनारस की तर्ज पर संध्या आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास के इलाकों के भक्तों ने मां दुर्गा मंदिर पहुंचकर संध्या आरती में हिस्सा लिया और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना और आराधना की। वहीं अपनी मनोकामना पूर्ति को लेकर भी भक्तों ने पूजा कर मनोवांछित फल की कामना की। इस दौरान मंदिर और आसपास में जहां काफी भीड़ जुटी रही, वहीं इसको लेकर बड़ी दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष शिवम चौधरी ने बताया कि
बनारस के तर्ज पर एक पूजा से 10 पूजा तक महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जबकि 8 और 9 पूजा को स्कूली बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित होगा। मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। लंबे समय से भागलपुर में रहने वाले मूल रूप से हरियाणा के भिवानी निवासी ओम प्रकाश शास्त्री का निधन लंबी बीमारी के बाद बीते 14 अक्टूबर की सुबह हो गया। पूजा पाठ और कर्मकांड से जुड़े रहे ओम प्रकाश शास्त्री पिछले 4 दशक से भागलपुर में अपने परिवार के साथ रहते थे और वो अपने पीछे 3 पुत्र और 1 पुत्री का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इसको लेकर दिवंगत ओम प्रकाश शास्त्री के 3रे पुत्र और पेशे से पत्रकार दीपक नौरंगी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उनके बड़े भाई संजय कुमार कौशिक को ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इसी बीच 8 अक्टूबर को उनके पिताजी ओम प्रकाश शास्त्री का भी ब्रेन हेमरेज हो गया और तिलका मांझी स्थित निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान 14 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। दीपक नौरंगी ने बताया कि दिवंगत आत्मा का मुखाग्नि उनके बड़े पुत्र संजय कौशिक के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि उनके पिता 5 भाई थे, जिनमें उनके अलावा सभी भाई अपने पैतृक जिला भिवानी में ही रहते हैं, जबकि कर्मकांड ही उनका मुख्य पेशा एवं जीवन का आधार था।